बच्चे क्लॉक एंड कैलेंडर में क्या होता है? आप लोगों ने क्लॉक देखी है? सारे घड़ी पहनते हो, घर में वॉल वॉच होगी, पहनते हो ना सारे? तो दैट वाज योर क्लॉक। और कैलेंडर आई थिंक दिन में 50 बार देखते होगे। आज कौन सी डेट है, 10 दिन बाद कौन सा दिन है, देखते हो? चलो, अंश का ने तो शो ही कर दिया क्लॉक भी। ठीक है जी, देखते हो ना सारे? तो यही होता है आपका कैलेंडर। इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं और पेपर में ना बहुत स्मार्टली आप लोगों से पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखा ना भैया कैलेंडर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहली बार तो किसी ने नहीं देखा होगा कैलेंडर, 50 बार देख चुके होगे, है ना? तो ये है आपका कैलेंडर, सेम ऐसे ही ये है आपकी क्लॉक। ठीक है, तो बच्चे इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, कहने को ये क्लॉक एंड कैलेंडर एक सिंगल चैप्टर है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो अलग अलग बनते हैं। मतलब कैलेंडर के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा, क्लॉक के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट पहले कैलेंडर से करते हैं। कैलेंडर के मीडियम से लेकर हाई तक जितने क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्लॉक की तरफ चलेंगे। एम आई क्लियर विद इट? ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए ना बच्चे एक चीज लर्न कर लो। लर्न मीन्स लर्न। मंडे का कोड, मंडे टू संडे सबने सुना होगा ना, वीक डे सबको पता होंगे। भविष्य वीडियो ऑन करो, मंडे टू संडे सभी को पता होगा। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं। ओके भविष्य, कोई बात नहीं। तो भाई मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड होता है 2, वेडनेसडे का कोड होता है 3, थर्सडे का कोड होता है 4, फ्राइडे का कोड होता है 5, सैटरडे का कोड होता है 6 और संडे का कोड होता है ईदर 7 और 0। समझ आ गया? लर्न हो जाएगा, मुश्किल तो है नहीं ना। मंडे टू संडे स्टार्ट करो सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 7, मुश्किल तो नहीं है, लर्न हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? ये क्वेश्चन तब आएंगे पेपर में जब पेपर का लेवल इजी होगा, इजी और आई कैन से अब मॉडरेट लेवल। हाई लेवल जो पेपर बनेगा ना, तो उसके क्वेश्चन आगे करवाऊंगी कि कैसे बनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके साथ, इफ टुडे इज वेडनेसडे देन व्हिच डे विल बी आफ्टर 44 डेज। अगर आज वेडनेसडे है तो 44 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो भी कैसे करोगे? कैलेंडर का ही क्वेश्चन है ना कि अगर आज वेडनेसडे है तो 44 दिन के बाद कौन सा डे होगा। तो सबसे इजी तरीका है, ये आपके सामने ये साइन है, ये रहा आपके सामने, ये डिवाइड का साइन बनाया हुआ मैंने, दिख रहा है सभी को डिवाइड का साइन? लिख दो जी 44। 44 डेज के बाद पूछा है ना उसने, 44 लिख दो। वीक में डेज कितने होते हैं हमारे पास? 7 होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सबको पता होगा 7 डेज होते हैं। तो चलो जी, कर लो 7 से डिवाइड। एम आई क्लियर? तो भाई क्या आएगा, 7 6 42 होता है, होता है या नहीं होता? 7 6 42 लिख दो जी, 42। 7 6 42, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? आपके पास रिमाइंडर आ गया 2, आ गया रिमाइंडर जी 2, आया या नहीं आया भाई? 44 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा, हुआ या नहीं हुआ? 44 माइनस 42 2 हुआ। चले जी, अब इन क्वेश्चंस में ना बच्चे आपको सिर्फ चेक करना है आपका रिमाइंडर कितना आया। जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे ना, पूरे कैलेंडर के क्वेश्चंस में जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे ना, आप अपना हमेशा रिमाइंडर चेक करोगे कि आपका रिमाइंडर कितना आया। तो आपको रिमाइंडर 2 दिख रहा है, दिख रहा है ना? शरत वीडियो ऑन करो, आगे देखो जी, वेडनेसडे पूछा है ना, लिख दो जी वेडनेसडे।
और मैंने आपको क्या बोला है, क्या चेक करना है आपको, रिमाइंडर चेक करना है, तो प्लस ऑफ रिमाइंडर, समझ आया? आपके से वेडनेसडे पूछा था कि आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे लिख दो, प्लस ऑफ जो आप भी आपका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर लिख दो। तो भाई वेडनेसडे का कोड क्या होता है, क्या कोड होता है वेडनेसडे का? मंडे का 1, ट्यूजडे का 2, तो वेडनेसडे का क्या आएगा? 3 होगा, लिख दो जी 3। प्लस आपका रिमाइंडर कितना आया है? 2 आया, अभी निकाला ना आपने, रिमाइंडर आया आपका 2, तो 3 + 2 क्या हुआ? 5 हो गया, हुआ। तो भाई 5 में कौन सा डे होता है? मंडे का 1, ट्यूजडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4 और फ्राइडे का 5 होता है, अभी किया ना आप लोगों ने, तो आंसर क्या आ गया? फ्राइडे आ गया। एम आई क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज फ्राइडे। इजी था भाई, मुश्किल तो नहीं है। मैंने कोशिश की कि आपको इजीएस्ट मेथड से करवाया जाए कि आप इस मेथड को कभी भूलो ना। ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि भाई मेथड एक होना चाहिए ना। बार बार मेथड चेंज होगे तो आपको खुद रिमेम्बर करने में प्रॉब्लम होगी, होगी ना कि यार इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज होगा, इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज होगा। अगर एक ही मेथड यूज होगा हर एक क्वेश्चन में तो लर्न करने में आसानी हो जाएगी ना। तो बच्चे ये वाला मेथड हर क्वेश्चन में चलेगा। एम आई क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी करम जी बताइए। मैम सीधा वेडनेसडे में 2 प्लस कर दें, जैसे हाँ तो, वेडनेसडे थर्सडे कर दो। हाँ तो कर दो, मना थोड़ी की है, मैं तो समझा रही हूँ ना, इसलिए मुझे लिखना है, समझ आई? अच्छा एक बात हो, पेपर में तुम ऐसे लिखोगे वेडनेसडे प्लस रिमाइंडर फिर नीचे 3 + 2 करोगे? क्यों करोगे, कॉम्पिटिशन में बैठे हो ना, डायरेक्ट देखोगे कि रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, पूछा आपसे वेडनेसडे है, वेडनेसडे का कोड 3 होता है, 3 + 2 5 होगा, 5 का कोड क्या होगा? फ्राइडे, डायरेक्ट ही लिखोगे, समझ आया? एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, किसी को कोई प्रॉब्लम ना तो शैल वी मूव फर्दर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हेयर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके सामने, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो 65 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? तो भाई मेथड अभी बताया था ना मैंने कि सेम मेथड सब में चल जाएगा, बताया था ना, चलो भाई ट्राई करते हैं, क्या पता मैम झूठ तो नहीं बोल रही, ट्राई कर लेते हैं भाई। भाई 65 डेज के बाद पूछा है ना, तो डिवाइड में लिख दो 65, ठीक है? वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं, 7 से डिवाइड कर दो। 7 8 = 63 होता है, 7 7 = 49, 7 8 = 56, 7 9 = 63 होता है। चलो जी 7 9 = 63। अब 65 - 63 क्या होगा? रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? 2 आ गया आपके पास रिमाइंडर, आ गया। आगे देखो जी, आपसे कौन सा डे का पूछा हुआ है? मंडे का पूछा हुआ है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? मंडे प्लस ऑफ रिमाइंडर, ये बताया है। तो भाई मंडे का कोड क्या होता है? 1 होता है मंडे का कोड, अभी पढ़ा आप लोगों ने, तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया आपके पास? 2 आया, तो 1 + 2 क्या हुआ? 3 हो गया। और 3 को कौन सा डे होता है? मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, तो 3rd का जो कोड होता है वो होता है वेडनेसडे। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इजी है ना, सेम मेथड से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया जैसे बताया था। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।